पति अपनी बीवी से परेशान होकर कोर्ट में तलाक के लिए पहुंचा। जज बोला, तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति बोला, मैं इससे खुश नहीं हूं। बीवी बोली, जज साहब पूरा मोहल्ला खुश है, बस इसके ही इतने नखरे हैं। पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी ज़िंदगी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है, लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैग, आ जाओ घर, कुछ नहीं कहूँगी। पति पत्नी से बोला, मेरा फ़ोन आए तो कहना मैं घर पर नहीं हूँ। अचानक फ़ोन की घंटी बजी, पत्नी ने फ़ोन उठाकर कहा, वो अभी घर पर है। पत्नी के फ़ोन रखते ही पति खींचते हुए बोला, मैंने मना किया था कि फिर क्यों बताया कि मैं घर पर हूँ। पत्नी बोली, आपने अपने फ़ोन के लिए मना किया था, वह फ़ोन तो मेरे लिए आया था। पत्नी बोली, आखिर और तो क्या क्या संभाले, तुमको संभाले, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले। पति बड़े सुकून से जवाब देता है, सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। एक टकला बिना कॉलर टी शर्ट के बीवी से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ? बीवी बोली, अजी छोड़ो भी। टकला बोला, अरे बताना। बीवी बोली, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला बोला, अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीवी बोली, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। पति बोला, मेरी शर्ट उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी बोली, ठीक है। पति ने 10 मिनट बाद पत्नी से पूछा, मेरी शर्ट प्रेस हो गई? पत्नी बोली, नहीं। पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, उल्टी नहीं आ रही है। पत्नी बोली, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ, आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। पति बोला, प्लीज डार्लिंग, उसे एक मौका तो और दो। पति हकीम से बोला, मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है, जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे खुद सुनाई नहीं देता। हकीम बोला, माशाल्लाह ये बीमारी नहीं है, तुम पर अल्लाह की रहमत हुई है। बीवी बाथरूम से नहाकर बाहर निकली, पति उसे घूर रहा था। वाइफ रोमांटिक होकर बोली, क्या इरादा है? पति ने एक चांटा लगाया और बोला, मेरे गर्म पानी से क्यों नहाई?